ठगी पीड़ित परिवारों का 13 दिन से धरना लगातार जारी है। पीड़ितों ने सुनवाई न होने पर नाराजगी जताई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे बिना धन लौटे आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी 22 बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जमा धन वापस दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। बीगनगांव विधानसभा क्षेत्र में गलत तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के भय से दवाखानों पर ताले लटक रहे हैं। आपको बता दें कि बीगनगांव विधानसभा क्षेत्र में अपंजीकृत तथा बिना डिग्रीधारी कथित डॉक्टर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पखांजूर क्षेत्र में गौवंश की तस्करी का मामला गहराता जा रहा है। सालों से गौवंश की सुरक्षा में काम कर रही मोनिका साहा अब वर्तमान में नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई हैं। वहीं भाजपा के कुछ लोगों द्वारा उन्हीं को आईना दिखाते हुए गौवंश की रक्षा के लिए आवेदन दिया गया है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। अंबिकापुर में शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। मामला मैनपाट थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि पति गुस्से में आ गया और धारदार हथियार से पत्नी का गला धड़ से अलग कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पान सेमल जनपद के खड़की गांव के ग्रामीणों ने पेयजल वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर महीने शुल्क दिए जाने के बावजूद रोजाना पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से उन्हें दूसरी जगहों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस मामले में पीएचई के उपयंत्री सुनील कलमे का कहना है कि गाँव में पेयजल वितरण प्रणाली का अवलोकन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबर सामने आई है। यहां बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है, जिसमें ट्रेन के 3 कोचों के शीशे टूट गए हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों को भर्ती किया गया है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं महिला की हालत स्थिर है, उसका इलाज किया जा रहा है। दोनों मरीजों का आईसीयू में रखा गया है तथा जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कल बीजेपी किसान सदस्यता दिवस मनाएगी। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, कोऑपरेटिव कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर बूथ पर 100 सदस्य बनाएंगे। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। इस समय गंगा खतरे के निशान से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इंजीनियर हरीश प्रसाद ने बताया है कि बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और उनको अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। गरियाबंद में रेत के अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इसी के तहत टीम ने कार्यवाही करते हुए मोहेरा घाट पर रेत का अवैध परिवहन कर रहे 5 हाई वाहनों को जब्त किया है और उन्हें पांडुका पुलिस के हवाले सौंप दिया है। बता दें कि खनन माफिया धमतरी के मोहेरा घाट से रेत का अवैध परिवहन कर रायपुर दुर्ग में महंगे दामों में बेचते हैं। जबलपुर के कुंडा विकासखंड के खबरिया क्षेत्र में एक मादा तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी उम्र लगभग 1 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तेंदुए की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी और उसके गले में एक फंदा भी बंधा हुआ है। फिलहाल तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। भगवान गणेश का ऐसा ही एक मंदिर इंदौर की खजराना में स्थित है। खजराना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण कराया था। लखनऊ में रेलवे ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जिसके बाद अब व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। यहां दुकानदार अब काफी परेशान हैं। बता दें कि कल शाम को रेलवे ने सड़क किनारे लगी दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी, जिससे तमाम लोगों को भारी नुकसान हुआ है। मिर्जापुर में वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। लाखों रुपए के पौधारोपण में
खर्च करने के बाद दबंग किसान पौधे उखाड़ कर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसमें कुछ वन अधिकारी और कर्मचारी मिले हैं और खेती करने के एवज में फसल का कुछ हिस्सा या रुपए ले जाते हैं। वहीं सिरसी रेंज के गार्ड ने वन विभाग की मिली भगत वाली बात बताया है। उन्नाव में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए हैं। बता दें कि बंगरबहू कोतवाली क्षेत्र के पंचूपुरवा गांव में देर शाम एक मकान पर चार लुटेरों ने हमला कर दिया है। लूटपाट के दौरान लुटेरों ने घर से लाखों रुपए का माल समेट लिया है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लापरवाही बरतने वाले कौशाम्बी थाना क्षेत्र के बैरोचा गांव में 5 सितंबर की रात जनसेवा केंद्र में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो डलैया गांव के रहने वाले शातिर चोर गैंग को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रायपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस महकमे में हड़कंप उस वक्त मच गया जब बंदूक की गोलियों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। गोलियों का जखीरा नाला में मछली पकड़ने गए बच्चों को मिला है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने गोलियों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में 9 गठित चित्रकूट विकास प्राधिकरण की प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर सपना अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में हुई है। साथ ही चित्रकूट में चल रहे विकास कार्यों की रूपरेखा बनाए जाने पर चर्चा भी की गई है। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील के चोपना में शुक्रवार को थाना क्षेत्र के शक्तिगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर नीलगढ़ फॉरेस्ट के जंगल में 2 शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर चोपना थाना प्रभारी सर्वेंद्र ध्रुवे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोटेगांव भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ब्लॉक ने शनिवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं और सोयाबीन फसल को 6000 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की मांग को लेकर पूरे नगर में वहां रैली निकाली। एसडीएम देवती परते को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। शमशाबाद नगर परिषद भवन इन दिनों जर्जर होकर गिरने की कगार पर है। उस भवन को गिरने से बचाने पाइप का सहारा दिया गया है। जर्जर भवन के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्व में नगर परिषद कार्यालय के इंजीनियर के कमरे की छत टूटकर ऊपर गिर गई थी। इसके बाद भी नगर परिषद ने सीख नहीं ली है। रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बाद 14 सितंबर को मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। चहचहाती धूप को देख लोगों के चेहरे खिल गए। पिछले एक दिन पहले लगातार हो रही बारिश से जनजीवन व्यस्त हो चुका गया था। लोगों का घर से निकलना बंद हो गया था, लेकिन अब धूप से लोग खुश हैं। फरुखाबाद के नेशनल हाईवे 730 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हुई है। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय के सबरी मार्ग पर साइकिल पर छात्र के स्टंटबाजी से लोगों में अनहोनी की आशंका में भय प्राप्त है। साइकिल से गुजरते समय रोज स्टंट करना नाबालिग की आदत में शुमार हो गया है। पीठ पर स्कूली बैग और सड़क पर स्टंट लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जावद में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ढोल 11 पर 5 अखाड़े निकाले जाएंगे। मनशापूर्ण व्यायाम शाला के पहलवानों ने जावद बस स्टैंड पर एक से बढ़कर एक रतंगे करतब दिखाए हैं। खासकर इस बार नन्ही नन्ही बालिकाओं ने क्रेन पर लगे झूलों पर अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की है। हरदोई जिले की पुलिस चौकी प्रताप नगर चौराहा के नजदीक एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलहिया गांव निवासी 40 वर्ष के पंकज यादव के रूप में हुई है, जो कि हलवाई का कार्यकर्ता है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में एक युवक की चाकू में मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने बताया है कि पीड़ित ने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए थे, जिससे वह नाराज था, इस वजह से उसने उसकी हत्या कर दी।
भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों के खिलाफ बंधुआ बाल श्रम कराने सहित कई अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। यह FIR विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में की गई है। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने केस दर्ज किया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में रिपोर्ट दर्ज न होने के विरोध में विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस की पंगु व्यवस्था के खिलाफ वैसाखी के साथ ज्ञापन सौंपा है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी लंबे समय से सभी थानों में दिव्यांग जन अधिनियम 2016 लागू करने की मांग कर रही है। केवितरा जिले में बाढ़ के बाद अब सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश होने से ज्यादातर लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सांप डस लेता है तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, जिससे उसे समय रहते उपचार मिल सके। आपको बता दें कि 11 सितम्बर को ग्राम कुरुद रिखी चंद्राकर नाम की महिला की सांप काटने से मौत हो गई थी। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र से कॉलेज में मंचले छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। छात्राओं से मंचले जो है जबरन मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिसके चलते पीड़ित छात्राओं ने SP से शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को ढोल ग्यारस के साथ परिवर्तनी एकादशी और जल झुल्ली एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल को एक डोल में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। हरदोई में अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये पुतला फूंका है। अखिलेश यादव का पुतला फूंकते समय पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं से झूमाझटकी भी हुई है। वहीं पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। प्राचीन काल से नगर हाट पिपलिया में नरसिंह मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा नरसिंह मंदिर से डोल में रखकर अखाड़े बैंड बाजे के साथ नरसिंह घाट ले जाया गया है। नगर में हर जगह पुष्प वर्षा कर ढोल व अखाड़े का भव्य स्वागत किया गया। सर्व मुस्लिम समाज द्वारा भी पुलिस का स्वागत किया गया। गरियाबंद के शोभा थाना क्षेत्र में अड़गड़ी में पत्नी के हत्यारे को आज पुलिस ने जेल में दाखिल कर दिया है। दरअसल बीती रात पति ध्रुआ राम नेताम ने अपनी पत्नी अनिता को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद आपको बैठे पति ने डंडे से पत्नी की पिटाई कर हत्या कर दी थी। देवेंद्रनगर में थाना प्रभारी राम हर्ष सोनकर सहित समस्त पुलिस स्टाफ ने देवेंद्रनगर क्षेत्र में गणेश उत्सव एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान जनमानस से संपूर्ण पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द ढंग से मनाने की अपील भी की है। रायबरेली में जमीन के एक टुकड़े के लिए सगे भतीजे ने ही अपने ताऊ को मौत के घाट उतार दिया है। भतीजे ने जमीन के लालच में ताऊ को पहले गला घोटकर मार डाला, फिर शव को सड़क पर फेंक दिया ताकि वाहनों से कुचलकर इसे दुर्घटना का स्वरूप दिया जा सके। पुलिस ने शक के आधार पर भतीजे को उठाया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिलाधिकारी प्रशांत दीप सिंह ठाकुर ने के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है। ग्रामीण जनों को पोषण आहार का महत्व समझाया गया है। मोटे अनाज मक्का ज्वार बाजरा कुटकी कोंदो रागी राजमा को अपने भोजन में शामिल करने की सलाह दी गई है। कुपोषण से सुपोषण की ओर बच्चों की वृद्धि पर किस प्रकार से काम करें, इसकी जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई। सहारनपुर के थाना नागलडेही क्षेत्र में NDPS एक्ट के मुकदमे में लगातार 8 वर्षों से माननीय न्यायालय को चकमा देकर फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुखबिर के सूचना के आधार पर इनामी बदमाश को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर जनपद में स्थित रामवरण महाविद्यालय जयसिंहपुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर चंद रुपयों के लिए फर्जी डिग्री बनाई जा रही है। छात्रों से डी फार्मा कराने के नाम पर दर्जनों छात्रों से लाखों रुपए वसूल कर फर्जी डिग्री देकर धोखाधड़ी की गई है, जिसमें छात्रों के 3 से 4 साल बर्बाद हो गए हैं।
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फरार मुख्य आरोपी को बाराद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सकती जिले के बाराद्वार निवासी दीपक बरेठ सहित अन्य लोगों ने बाराद्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम अर्जुनी की रहने वाली आरोपी उषा गौड के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर दो व्यक्ति से फोन पे के माध्यम से 6,60,000 रुपए की ठगी कर ली। प्रदेश शासन के मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर शहडोल पहुंचे, जहां शहडोल के मानस भवन में आयोजित वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन की वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मानस भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, ऐसा कहा है मंत्री। आज ढोल 11 के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विमान जल विहार के लिए बेतवा नदी तक पहुंचेंगे। वहीं शहर के कई स्थानों और पंडालों पर लगाई गई झांकियों का विसर्जन भी किया जाएगा। उनके जल समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी ने बताया है कि शहर के सभी स्थानों पर पुलिस व्यवस्था चाक रखी गई। महिला कांग्रेस के 40 साल पूरे होने पर भोपाल में कल से एक विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को ऑनलाइन लिंक के माध्यम से सदस्यता दिलाई जाएगी। अभियान के दौरान हजारों महिलाएं कांग्रेस की सदस्यता लेंगी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए हैं। केजरीवाल की रिहाई पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के बाहर आने पर जश्न में खूब आतिशबाजी की है। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बीच इस तरह की आतिशबाजी को लेकर लोगों ने रोष जाहिर किया है। रायपुर में निगम मंडल की नियुक्तियों पर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद निगम मंडल की नियुक्तियों की कवायद होती है, जिसके लिए तैयारी चल रही है। अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन संगठन प्रमुख की नियुक्तियों पर बातचीत की संभावना है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना देवरी थाना क्षेत्र के कोपरा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्ची कुएं में मृत पाई गई है। वहीं 2 महिलाओं के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं, जबकि बुजुर्ग महिला और बच्ची का शव पानी में मिला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे हैं। वहीं सीएम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बैतूल की गंज पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तस्कर के बैग से 7 पिस्टल और कई छोटे बड़े धारदार चाकू मिले हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी हथियार बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर से आरोपी को दबोच लिया। भिंड में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मोहल्ला कॉलोनी सरकारी संस्थाओं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है।